रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के नेक्स्ट लेसन में मैं आपको डेकोपाज से जो रिलेटेड हमारा कोर्स चल रहा है उसमें क्रैकल मीडियम और क्रैकल पेस्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगी। क्रैकल मीडियम का मतलब होता है कि ये थिन सी एक लिक्विड होता है, ये आप नोट करिए, जेल की शक्ल है इसकी, इसको क्रैकल मीडियम कहते हैं। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसकी जो थिन लेयर होती है वो हमें इसका रिज़ल्ट एक थिन लेयर या एक पेंट की शक्ल में मिलता है, जैसे हम पेंट करते हैं। जबकि क्रैकल पेस्ट का ये मतलब है कि जैसे हम टेक्सचर पेस्ट यूज़ करते हैं एक हाइट में हमें रिज़ल्ट मिलता है, इस तरह से इसका भी हमें रिज़ल्ट एक हाइट में मिलता है। तो अगर आपने किसी ऐसे सरफेस पे काम करना है जिसमें आपको हाइट चाहिए तो वो आप क्रैकल पेस्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं। आज मैं क्रैकल पेस्ट यहाँ पर अप्लाई करूँगी ताकि उसमें आपको क्रैक्स की विजिबिलिटी भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्रैक्स की विजिबिलिटी कैसे होती है। इस ये मेरे पास एक डिफरेंट प्लैंक्स को जोड़ के एक सर्कल बनाया गया है। ये ट्रे या क्लॉक दोनों जो आपको पसंद है आप इसका वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इसकी बेस पे एक और वुड सर्कल लगाई जाएगी ताकि इसको होल्ड किया जाए और सपोर्ट किया जाए, लेकिन अभी ये बिल्कुल सेपरेट प्लैंक्स में है। इस सेपरेट प्लैंक्स में काम करूँगी और उसके बाद इसको अटैच करके तो एक अलग सा एक बेस बनाई जाएगी ताकि इसके ऊपर अटैच हो जाए। इसके तकरीबन 5 पीसेज हैं, ठीक है, दो साइड्स के स्मॉल हैं और मिडिल के 3 कंप्लीट पीसेज हैं। आज मैं आपको राइस पेपर से काम करना सिखाऊंगी। राइस पेपर डेकोपाज में बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से कंट्रीज़ में राइस पेपर अवेलेबल नहीं है तो उसका सब्सिट्यूट होता है नैपकिंस। जैसे हम नैपकिंस यूज़ करते हैं, आपको बड़ी दफ़ा इस्तेमाल करके बताए भी हैं डेकोपाज में, हमने अभी तक सोफ़ार जितने भी हमने लेसन्स अटेम्प्ट किए हैं वो हम नैपकिंस के थ्रू ही कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको राइस पेपर से बताऊंगी। राइस पेपर बिल्कुल नैपकिन की तरह होता है, बस ये कि ये सिंगल पेपर है, इसकी कोई प्लाई नहीं होती, इसको डायरेक्ट हम इसको पेस्ट कर देते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नैपकिंस को पेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हम कुछ पोर्शन में काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 पोर्शन, हम ये पूरा पेपर यूज़ नहीं करेंगे, हम इसका कुछ पोर्शन यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा पीस है और इसको ज़रूरी नहीं, और इतना ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा डिज़ाइन है कि इसमें सारा डिज़ाइन ज़रूरी नहीं एट अ टाइम आप इसको यूज़ कर सकें। तो ये डिज़ाइन हमारे इन 2 प्लैंक्स में आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और तकरीबन इतना हम इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। लाइक ये 2 प्लैंक हमारे डेकोपाज के लिए यूज़ होगा, एक साइड हम क्रैकल पेस्ट या क्रैकल मीडियम के लिए यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम स्टेंसलिंग करेंगे, स्टेंसलिंग विद टेक्सचर पेस्ट, और यहाँ पर भी हम क्रैकल मीडियम यूज़ करेंगे। जिन प्लैंक्स पे हमने क्रैकल मीडियम या क्रैकल पेस्ट यूज़ करनी है उसकी बेस को हम डार्क कर देंगे, आइदर डार्क ब्राउन या ब्लैक। तो इसको मैं अभी साइड पे कर देती हूँ दोनों को, इनको हम ब्लैक पेंट करेंगे और उसके बाद हम सेंटर पे काम शुरू करेंगे। इन दोनों को मैं अभी साइड पे कर देती हूँ, बल्कि इन पे मैं काम शुरू कर देती हूँ, इसको हम पहले ब्लैक पेंट करेंगे। ब्लैक पेंट चूँकि हर जगह लग सकता है तो आप इर्द गिर्द से सब चीज़ें उठा दें ताकि आपका जो कोई भी प्रोजेक्ट है या नैपकिन है उसके ऊपर पेंट ना लग जाए। तो इसके लिए मैं एक रेगुलर ब्रश ले रही हूँ, सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज़ करें। जब भी आपने डेकोपाज करना है या पेंटिंग करना है तो आप सॉफ्ट ब्रिसल्स ब्रश यूज़ करें। मैं चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ ब्लैक, इसको बस आप रफली सा अप्लाई कर दें। बिल्कुल आम तरीके से जिस तरह हम लोग पेंटिंग करते हैं उस तरह कर दें, साइड्स पे इनवर्ड आउटवर्ड हर जगह पे करते हैं। ये जब ड्राई होगा इसके बाद हम पेस्ट अप्लाई करेंगे, और पेस्ट इटसेल्फ वाइट होती है, थिक लेयर ऑफ पेस्ट यूज़ करेंगे और उसको फिर जब ड्राई करेंगे आप इधर वैसे ही छोड़ दें या आप हेयर ड्रायर से कर लें तो वो उसमें क्रैक्स बनना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये, क्योंकि ऑब्वियसली इसको टाइम लगता है हर चीज़ को करने में, ड्राई होने में खासतौर पर टाइम लगता है। तो वो आप जब ड्राई हो हर स्टेप तो उसके बाद ही आपने काम करना है। लाइक अभी मैंने पेंट किया, इसको ड्राई करेंगे, उसके बाद हम क्रैकल पेस्ट यूज़ करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे और बाकी के प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने पहले पेंट कर लिया ताकि पेंट हमारा उतनी देर में ड्राई हो जाए। ये पेंट मैंने करके इसको कंप्लीट कर लिया, इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी और बाकी का काम स्टार्ट करूंगी। मैं इसके एक साइड पे क्रैकल मीडियम यूज़ करूंगी और एक साइड पे क्रैकल पेस्ट यूज़ करूंगी ताकि आपको दोनों का पता चल जाए कि इसको दोनों को यूज़ किया कैसे किया जाता है। तो अगर आपके पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो आप वुड ग्लू भी यूज़ करते हैं मैंने कर सकते हैं। मैंने एक लेसन इससे पहले दिया था स्पून पे, मैंने वुड ग्लू यूज़ की थी, ये वाली
जो वुड ग्लो होती है इससे भी क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसका लिंक जो ये लेसन है विद ग्लू के साथ जो हमने क्रैक्स क्रिएट की थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल काम की तरफ, यानी कि हमारे ये थ्री प्लैंक्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारी ये जो बेस कलर है ये वुड की है, ठीक है, और ये ऑलरेडी लाइट है। आइधर आप इसको पेंट कर लें या आप इस पर डायरेक्ट पेस्ट कर दें, ठीक है, दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। मैं डायरेक्ट पेस्ट करूँगी ताकि मेरे पास जो वुड ग्रेन्स या वुड का जो टेक्सचर है वो एज इट इज़ रहे। मैं इसको यहाँ से, मेरा थोड़ा सा फ्लॉ है तो मैं इसको इस डायरेक्शन पे यूज़ कर लेती हूँ ताकि मेरा ये जो फ्लॉ है ये भी हाइड हो जाए। ये मेरा थोड़ा सा यहाँ पर मसला है। ये वाला जो प्लैंक होगा इसको मैं यूज़ करूँगी फॉर टेक्सचर पेस्ट, तो मैं इसको भी साइड पे भी कर देती हूँ। अभी मैं ये दो प्लैंक्स यूज़ करूँगी। अच्छा, इन दो प्लैंक्स पे मैंने ये वाला पोर्शन जो है नैपकिन का, इसका मैंने यूज़ करना है। मैं आपको बताती हूँ वो कैसे करना है। अच्छा, मैंने नैपकिन को टियर कर लिया था वेट ब्रश से। जब आपको पता है जब भी हम नैपकिन को टियर करते हैं तो ब्रश को गीला करते हैं और पानी लगाते हैं और वहाँ पर लाइन लगाते हैं जहाँ से इसको फाड़ना होता है और उसके बाद आराम से वो फट जाता है। लिहाजा मैंने इसको फाड़ लिया था विद वाटर एंड थिन ब्रश। अच्छा, इसके बाद हमने ये पेस्ट करनी है हमारी राइस पेपर, ठीक है, जहाँ पर आपने राइस पेपर पेस्ट करना है वहाँ पर आप इसको रख लें। अब वहाँ पर आप पीयू डाल लें। यहाँ पहले हम लगे पीयू बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैं पहले ही इसको स्प्रेड कर लेती हूँ वहाँ पर। वैसे तो हमने सारे एरिया को सील करना ही होता है इसको पॉलीयूरेथेन से, तो आप पहले ही सारी पीयू लगा लें लाइक दिस। कुछ होल्स हैं इनको हम बाद में फिल कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लें। थोड़ा सा सेट कर लें इसको। इस तरह हमारा, मैंने वुड को पर चूँकि पेंट नहीं किया, और आप ये नोट करें कि हमारा वुड का टेक्सचर भी नीचे से राइस पेपर के नीचे से नज़र आ रहा है। अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर दें, फुल कवरेज हो जाए और कोई हिस्सा यहाँ पर रह ना जाए, ठीक है। अब हमने इस पेपर को कट करना है, वो हम कटर से इसको काट लेंगे। सीजर्स तो हमारे यहाँ तक जाएगी नहीं, लेकिन कटर इजीली इसके अंदर चला जाएगा, तो हम इसको कटर से कट कर लेंगे। अच्छी तरह से आप अप्लाई कर दें इसको, मेक श्योर के कोई जगह रह ना जाए। जो जो ट्रांसपेरेंट होगा ये वुड के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको वाइट कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके पास MDF है या कोई और वुड है तो आप इसकी बेस को वाइट करें। मैंने वाइट नहीं किया क्योंकि मुझे ये वुड का ओरिजिनल कलर इसके नीचे से नज़र आना चाहिए था, तो मैंने वही नज़र आया, वही शो करने के लिए और वही इसको एज इट इज़ रखने के लिए मैंने ये पेंट नहीं किया। लेकिन हमारा जो डिज़ाइन है, ऐसा नहीं है कि हमारा डिज़ाइन छुप गया, हमारा डिज़ाइन भी विजिबल है।
अच्छा, अब इसको हमने सेपरेट करना है, ये बीच में जो लाइन है, आप वो कटर से या पैलेट नाइफ से, क्योंकि पैलेट नाइफ भी इटसेल्फ काफ़ी शार्प होती है, तो आप इसको 2-3 दफ़ा ये स्कोर करें तो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, कहीं से अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये नैपकिन पेस्ट नहीं हुआ तो आप इसको प्रेस कर दें। ये साइड्स को हम यहाँ से भी इसको थोड़ी सी पीयू लगा के या मॉडपॉज कुछ भी आप इसको साइड से भी पेस्ट कर दें। सैंड पेपर से सैंड कर लें वो भी हो सकता है। अब इसको डाउनवर्ड पेस्ट करें, ठीक है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी मिसिंग है, अच्छी तरह से इसको आप पेस्ट कर लें। आपको कहीं लग रहा है कि कोई मिसिंग पार्ट रह गया तो आप इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लें। अच्छा, इसके बाद आप नोट करें कि हमारा ये जो पैटर्न है या डिज़ाइन है, इसकी बैक साइड पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट स्टेंसिलिंग हुई हुई है, तो और ये कलर भी थोड़ा सा ब्लैक ग्रे ब्राउन सा कलर है, तो अब हम कोशिश करेंगे इसकी बैक पे स्टेंसिलिंग कर लें। मेरे पास ये टेक्स्ट स्टेंसिल ऑलरेडी है पड़ा हुआ, और जिस एरिया में स्टेंसिल हो गया है वहाँ पर नहीं, लेकिन जिस एरिया में नहीं है वहाँ पर हम स्टेंसिलिंग करेंगे। इसको पहले आप बराबर कर लें और टेक्स्ट की डायरेक्शन पहले देख लें, थोड़ा सा टिल्ट है अकॉर्डिंग टू जो हमारा ऑलरेडी जो टेक्स्ट है उसी की डायरेक्शन पे आपने इसको स्टेंसलिंग करनी है। अच्छा, अब स्टेंसलिंग के लिए मैं स्टेंसलिंग ब्रश लूँगी, स्टेंसिल ब्रश है, ये फ्लैट टिप ब्रश होता है, और आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया कि इसको जब भी हमने यूज़ करना है इसमें इसको साफ रखना है, लाइक ड्राई ब्रश, और पेंट विद नो और लेस वाटर। मेरे पास ये पेंट रेडी था, सेम वही कलर है, ब्लैक और ब्राउन। इसको मैं स्टेंसिल पे लगाऊंगी और एक्स्ट्रा उतार दूंगी, या कपड़े पे भी उतार सकते हैं आप इसको, अगर आपको लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कलर है, और हम आराम से इसको अब सर्कुलर मोशन में स्टेंसिलिंग स्टार्ट कर देंगे। बस ये मेक श्योर करें कि आप जो नीचे आपका डिज़ाइन है उसके ऊपर स्टेंसलिंग ना हो जाए। मेरी थोड़ी सी फ्लावर के ऊपर आ गई है, लेकिन मैं इसको क्लीन कर लूँगी। सिर्फ वुडन एरिया में आप स्टेंसलिंग कर लें। अब यहाँ पर भी आप कर लें सारा, जो जो जितना जितना एरिया रह गया है इसको कंप्लीट कर लें। आप देख लें कि मैंने सारी स्टेंसिलिंग कर ली है। अब हम इसकी एजेस को डिस्ट्रेस करेंगे, यही डार्क ब्राउन कलर लेंगे और वही स्टेंसिलिंग ब्रश से ही इसकी डिस्ट्रेसिंग करेंगे। साइड को पूरा पेंट करना, डिस्ट्रेसिंग कर लें थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा लग गया तो आप इसको गीले कपड़े से रिमूव कर दें। सॉफ्ट ब्रश से करेंगे काम।
ओके थोड़ा सा इसको हम डार्क कर देंगे बैक साइड से। अच्छा जैसे ही ये सूखेगा हम पेस्ट टेक्सचर पेस्ट से थोड़ा सा काम करेंगे इसके ऊपर, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने कैसे करना है। अच्छा अब हम इसके ऊपर इन दोनों पे अलोंग विद ईच अदर हम थोड़ी सी स्टेंसिलिंग करेंगे। स्टेंसिलिंग के लिए मैं वॉल पट्टी ले रही हूँ, वॉल पट्टी ले रही हूँ टेक्सचर पेस्ट, और मैं इसको डायरेक्ट वाइट कलर में ही यूज़ करी, मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला। ठीक है आराम से आप इसको फिल करते जाएं। लाइक दिस सब तरीके से इसको स्टेंसिल मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसको उठाती हूँ, ये देखिए हमारा बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो आ गया दोनों एरियाज पे आ गए। एक्स्ट्रा जितनी भी है वो हम रिमूव कर देंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो बहुत सी पेस्ट अंदर चली गई है, इसको भी एहतियात से रिमूव कर दें। ठीक है अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। ये कितनी एक्स्ट्रा पेस्ट है इसको आप सेट कर दें। अब इसको हम जब ड्राई होने के लिए रख देते हैं ताकि, और इसके बाद हम ये जो हमारी जो साइड्स थी दोनों इस पे हम लोगों ने जो काम करना है क्रैकल मीडियम और क्रैकल पेस्ट का वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा इसके बाद अब हम हमारे जो साइड्स के दो प्लैंक्स रह गए थे ब्लैक कलर के जिसको हमने टेक्सचर पेस्ट और टेक्सचर मीडियम सॉरी क्रैकल पेस्ट और क्रैकल मीडियम के लिए हमने इसको छोड़ा था, तो इसमें हम ये सबसे पहले मैं क्रैकल पेस्ट लगाऊंगी। अच्छा इसकी जो थिकनेस है वो जितनी ज़्यादा आप रखेंगे उतनी अच्छे क्रैक्स विजिबल होंगे और उतने अच्छे क्रैक्स बनेंगे। ये जो पेस्ट है इसको आप लगाएं उसको इवन कर दें बिल्कुल जैसे टेक्सचर पेस्ट होती है उसी तरह इसकी कंसिस्टेंसी है थिक सी है, और इसको अप्लाई करके छोड़ दें। इवनली पूरी सरफेस पे इसको अप्लाई कर दें। जैसे ही ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी इसकी क्रैक्स इसमें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे एरिया पे पेस्ट लगाएं, कभी कभी हाफ और कुछ पोर्शन पे भी क्रैक्स दिए जाते हैं। ठीक है ये हमने इसको पेस्ट को अप्लाई कर दिया अच्छी तरह से, इसको इवन कर लें स्मूथ कर लें, जितना स्मूद होगा उतना इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप कुछ वर्टिकल कुछ हॉरिजेंटल लाइंस अकॉर्डिंग टू जो आपके स्ट्रोक्स होते हैं उसी हिसाब से क्रैक्स क्रिएट होते हैं। साइड्स को हम बाद में नीट कर लेंगे, साइड्स पे काफ़ी ज़्यादा पेस्ट लग गई है वो हम बाद में इसको नीट कर लेंगे। अच्छा दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है क्रैकल मीडियम का। क्रैकल मीडियम बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी ग्लू होती है, वो नाइफ से नहीं वो ब्रश से अप्लाई किया जाता है इसको, तो क्योंकि वो बिल्कुल पेंट की तरह होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ
ये देखिए ये जल जली की शक्ल होती है इसकी, जली टाइप। तो बस इसको आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना, और अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई नहीं होने देना। हाफ ड्राई जब हो जाए, जब इसकी सरफेस ड्राई हो जाए, तो इसके ऊपर हम फिर जो हमने कलर अप्लाई करना है वो हम इसके ऊपर कलर पेंट कर देते हैं हाफ ड्राई के ऊपर ही। वो जैसे ही श्रिंक होती है तो कलर भी श्रिंक हो जाता है, और जो क्रैक्स है वहाँ से हमें ब्लैक कलर नज़र आता है। ठीक है, आप बेशक इसको क्रिस क्रॉस लगा लें, ज़रूरी नहीं है कि आप सीधी वर्टिकल लाइन्स लगाएं। जिस तरह से आप लाइन्स लगाएंगे उस तरह से ही क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये दोनों वीडियो मैंने लगा ली है, इस तरह आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, और ब्रश को धो लें। अच्छा, मैं अकॉर्डिंग टू माई जो मेरा पेंट है, मेरा जो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके कलर्स मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर वो कलर ही अप्लाई करेंगे हम। ये पार्ट है इसका, ये पार्ट है, अभी थोड़े वेट है, और एक ये पार्ट है। ठीक है, और मैंने इनको बहुत ज़्यादा करीब नहीं रखा, ये देख लीजिए। अच्छा, ये जो हिस्सा है ये आप नोट करें, ये एक्स्ट्रा है। इसको उतारने के लिए हमेशा सैंड पेपर यूज़ किया जाता है। आप इस जगह पे सैंड पेपर अप्लाई करें, और आपका ये पेपर टियर हो जाएगा। स्मूथ सी आपको सरफेस आ जाएगी, मिल जाएगी। मेरा सिर्फ पर्पज़ ये था कि मेरा जो वुड है वो हाइड ना हो, क्योंकि वुड इटसेल्फ एक वुड का टेक्सचर, वुड का कलर बहुत खूबसूरत होता है, तो वो ख़राब ना हो। इस वजह से मैंने इसको वुड के कलर को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, इवन कि मैंने जो डेकोपाज है वो भी वुड के ऊपर ही कर दिया। अच्छा, अब मैं वेट करूँगी, ये थोड़ा सा भी ये काफ़ी गीला है अभी, ये बिल्कुल मेरी उंगली के साथ चिपक रहा है। ये जैसे ही थोड़ा सा हाफ डन होगा तो इसको मैं फिर इसके ऊपर हम वो कलर अप्लाई करेंगे जो हम इधर से हम चूज़ कर लेंगे, वो कलर यहाँ अप्लाई कर देंगे। लाइक अगर हम यहाँ से पिंक में जाते हैं, या ये जो हमारा डीप पिंक सा कलर है ये अगर इस पर करना है तो वो हम कर लें, तो ये एक ही सीरीज़ नज़र आएगी। या ग्रीन कर लें या पिंक कर लें, ये हमारी अपनी चॉइस है। अच्छा, मेरा ये जो फ्रैकल मीडियम है ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया है, मैं थोड़ा सा पिंक कलर बनाऊंगी। यही वाला जो हमारे फ्लावर का कलर है, मैं क्रीम और रेड को मिला रही हूँ ताकि मेरे पास ये वाला थोड़ा सा डार्कर टोन में पिंक आ जाए। अच्छा, जब भी कलर आप बना लें तो इसको अप्लाई करने के लिए आपने ब्रश को फ्लैट रखना है। ये थोड़ा डार्क हो गया, इसको लाइट करना। अच्छा, आपने ब्रश को फ्लैट रखना है और इस पर पेंट कर देना। ज़रूरी नहीं क्या वर्टिकल लाइंस लगाएं, आप थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल भी इसको दे सकते हैं। जितना मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं आप कर दें कलर को, लाइक दिस। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा हेयर ड्रायर अप्लाई करके देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। क्रैक्स नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है जैसे कलर काम है ऊपर पिंक कलर, इसको मज़ीद थोड़ा सा बना के ऊपर अप्लाई कर देते हैं थोड़ा लाइटर टोन में।
like this. ये मज़ीद ड्राई होगा तो इसमें मज़ीद क्रैक्स आ जाएंगे, अभी काफ़ी क्रैक्स विजिबल हो चुके हैं इसके। हम इसकी एजेस को थोड़ा सा डिस्ट्रेस कर देंगे। डिस्ट्रेसिंग हमेशा आपको पता है कि ब्राउन कलर से की जाती है, लेकिन अभी हमारा ये वेट है तो मैं अभी इसको छेड़ूंगी नहीं। जैसे ही ये ड्राई होगा इसके क्रैक्स भी प्रोमिनेंट हो जाएंगे और इसके जो हम साथ ही इसकी डिस्ट्रेसिंग भी कर देंगे। अभी ये वाला जो क्रैकल मीडियम वाला है, हमारा ये हिस्सा बिल्कुल अभी वेट है, इसको हम थोड़ा वेट करेंगे, इसको ड्राई करेंगे तो फिर इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ये आप देखें ये ड्राई हो गया। इसकी साइड्स पे अब ये जो ब्राउन कलर है चॉक पेंट थोड़ा सा डायल्यूटेड शक्ल में है ये, इसको आप लें और इसके एजिस को डिस्ट्रेस करना शुरू कर दें और पानी लगाएं ताकि ये कलर बहुत ज़्यादा ऊपर नजर ना आए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कलर है उसको आप थोड़ा सा गीले कपड़े से रिमूव करते हैं। इस तरह से हमारी एक साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, हमारा ये काफ़ी हिस्सा प्रिपेयर हो चुका है। अब थोड़े से मैं एजिस को डिस्ट्रेस करूँगी। पहले मैंने थोड़ा सा ब्लैक से डिस्ट्रेस किया था, अब मैं ब्राउन पेंट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि मेरा एक जैसी सिमेट्री बन जाए डार्क टू लाइट। ठीक है, अब हमारा सिर्फ ये हिस्सा ड्राई होने रह गया क्योंकि ये जो पेस्ट है क्रैकल पेस्ट, इसको बहुत टाइम लगता है ड्राई होने में। तो जैसे ही वो ड्राई होगी इसके बाद इसको थोड़ा सा डिस्ट्रेस करूँगी मैं। अभी यहाँ पर हल्के हल्के क्रैक्स बनना शुरू हो गए हैं, आप गौर से देखें तो बहुत कम, क्योंकि ये बहुत वेट है अभी। जैसे ये ड्राई होगी तो इसमें मज़ीद क्रैक्स बन जाएंगे। फिर हम इसी तरह इसकी डिस्ट्रेसिंग कर देंगे ये ब्राउन से, ताकि हमारा जो है ना सिमेट्री एक जैसी हो जाए, यहाँ पर इक्वल हो जाए। काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। अब मैं इसमें डाइल्यूटेड ब्राउन कलर डालूँगी। डाइल्यूटेड इसलिए ताकि ये जो क्रैक्स है इसके अंदर ये पेनिट्रेट हो जाए, जितना इसमें पानी होगा वो पानी अंदर चला जाएगा। आप ये चेक करें, काफ़ी हद तक कलर चला गया। अब मैं स्पंज लेके ऊपर से एक्स्ट्रा पेंट रिमूव कर दूंगी। अभी थोड़ा वेट है, ऐसे ही ड्राई होगा, मज़ीद इसके क्रैक्स इन्हांस हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट क्लॉथ से साफ करें, इससे ये आपके क्रैक्स विजिबल हो जाएंगे। अब साइड्स को ब्लैक कलर से थोड़ा सा हम डिस्ट्रेस कर देंगे बिल्कुल। बाकियों को भी मैंने इसी तरह से डिस्ट्रेसिंग की थी, हल्का हल्का
और जिसको हम स्ट्रेसिंग कर देंगे लाइक दिस। इस तरह से हमारी ये विंटेज ट्रे क्लॉक जो भी आप इसको बनाना चाहें, क्योंकि यहाँ तक जब बनती है इसके बाद आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको क्लॉक बनाना चाहें। बेस को पहले अटैच कर लें, अगर क्लॉक बनानी है तो इसको सेंटर में होल करना पड़ेगा और मशीन अटैच करनी पड़ेगी, और अगर आपने ट्रे बनानी है तो आपको दो हैंडल्स राइट लेफ्ट से, लेकिन पहले बेस को जोड़ के इसके बाद यहाँ पर दो हैंडल्स अटैच करने पड़ेंगे। थोड़ा सा हम इसको शेड कर लेंगे। इस तरह से ब्लेंडिंग हो जाए यहाँ पर कलर की। थोड़ा सा रेड क्लॉथ से टेक्सचर दे दें। सेंटर को हम लोग लाइट रखेंगे, साइड्स को हमने डार्क रखना। इस तरह से हमारा यह प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको मज़ीद अगर ब्राउन करना है तो यहाँ से एजेस को हम मज़ीद ब्राउन कर लेंगे, सिर्फ एज पे, ठीक है। लाइक दिस इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डन हो गए। स्पंज के निशान यहाँ पर बहुत अच्छे आ गए हैं, और इसको हैंडल लगा लें या ट्रे लगा लें, कुछ भी लगा लें, ये हमारी अपनी चॉइस है। इसकी फाइनल लुक देख लें। ये ड्राई होने के बाद ये क्रैकल पेस्ट है, इसमें काफ़ी अच्छे क्रैक्स इन्हेंस हो गए हैं, टेक्सचर पेस्ट आ रहा है, यहाँ पर डेकोपाज आ गया और यहाँ पर क्रैकल मीडियम आ गया। ये दो तीन डिफरेंट टेक्निक्स को मिक्स मीडिया में इसको कहते हैं हम इसको, और ये साइड्स को मैंने थोड़ा डार्क कर लिया था, बर्न एज लुक देना है वुड का। और अब इसके बाद एक नीचे इसके सर्कुलर प्लेट या दो प्लैंक्स लगाए जाएंगे जिससे इसको हैंग किया जाएगा। हैंग कर लें या आप इसको ट्रे बना लें, ये हमारी अपनी चॉइस है।